हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज मैं काफ़ी जल्दी जग गई हूँ एंड मेरी खुशी मतलब मैं क्या ही बताऊँ। 6:10 होते होते मैं रेडी हो गई थी पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे थोड़ी सी वार्म वाटर चाहिए थी क्योंकि इतने ज़्यादा सर्दी हो रही थी। एंड जल्दी उठने की वजह से मैं चाय भी नहीं पी सकती थी। क्यों ऐसा कुछ नहीं है, बस जल्दी उठी थी तो मैंने सोचा कि मेरी दोस्त उठ जाएगी तो उसके साथ ही चाय पीऊँगी, अकेले क्यों पीऊँगी मैं। मैंने जब बाहर आके देखा तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था 6 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा होता है, क्योंकि मैं तो 7-7:30 बजे तक उठती हूँ। मेरे लिए तो ये पूरा का पूरा सरप्राइज़ जैसा था। अभी मैं सोशियोलॉजी का कुछ कुछ चीज़ें मेरी बची हुई है उसको रिवाइज़ कर रही हूँ, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन वाला चैप्टर जो है उसको रिवाइज़ कर रही हूँ एंड अपनी जीरा वाटर के साथ। तो मैंने अपनी टेबल वाली जो लाइट है उसको लगाई, क्योंकि जो रूम की अलग लाइट है ना उससे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो रही थी तो अच्छे से मैं पढ़ नहीं पा रही थी। एंड इसीलिए मैंने अपने टेबल के ऊपर जो लाइट लगा रखी है उसको ही लगाई और उसके साथ रिवाइज शुरू कर दी। एंड जैसे कि मैंने आपको बताई थी पिछली काफ़ी सारे वीडियो से मैं बता रही हूँ कि मैं स्लीपी के नोट्स से ही सोशियोलॉजी कर रही थी और बीच में मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगी तो मैंने ये हॉट वाटर बैग को गर्म करने के लिए रख ली। एंड कल जब मैं स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर रिवाइज़ कर रही थी ना तो मुझे कुछ कुछ नए थिंकर्स मिल गए। मतलब मैं जब पिछली बार नोट बनाई थी पता नहीं मैं अंधी हो गई थी या क्या, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं दिख रहे थे। मैंने इन नए नए चीज़ों को व्हाइट बोर्ड में लिख दी थी। एंड ये जो व्हाइट बोर्ड मैं लेके आई थी काफ़ी सस्ती में मुझे मिल गई थी, मतलब यही लोकल मार्केट से ही। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसमें जब आप लिख देते हो उसको मिटाने की बारी जब आती है तब आपकी बैंड बच जाएगी, मतलब वो मिटती ही नहीं है, आपको इसे घिसक घिसक के उसको मिटाना पड़ता है। सस्ती चीज़ों से बचो और लाने से पहले चेक कर लेना एक बार अच्छे से। मैं भी यही लोकल से ही लाई थी यार, मतलब हमारी रूम से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे एक शॉप है वहाँ से मैं लेके आई थी। खैर छोड़ो, फिर इतना ज़्यादा मुझे ठंडी लगी, पता नहीं मेरे पैरों में ही मुझे ज़्यादा ठंडी लगती है, इसीलिए मैं फिर चादर के अंदर पैर रख के हॉट बैग को जो गर्म की थी मैंने उसको उसके ऊपर ही रख के बैठ गई एंड रिवाइज कंटिन्यू कर रही थी। क्योंकि सुबह होने से पहले मुझे सोशियोलॉजी कंप्लीट करनी है, सुबह मतलब 8 बजे से पहले, ताकि 8 बजे के बाद मैं थोड़ी चाय और ब्रेकफास्ट कर पाऊँ। एंड जब आप स्लॉट बनाते हो ना, अगर टारगेट करके मतलब 2 घंटे में इतना कंप्लीट करनी ही करनी है तो दिमाग शायद थोड़ा जल्दी जल्दी मतलब अच्छे से चलता है। तो फिर मैंने देखा बाहर लाइट आनी शुरू हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो चाय बना लूँ। एंड ये देखो मेरी अमूल वाली बुर्ज खलीफा, सस्ता मतलब सस्ते से भी सस्ता वाली बुर्ज खलीफा। और मेरे पास इतने सारे अमूल के डब्बे हैं, किसी को चाहिए तो ज़रूर बताना। हाँ मतलब क्या ही करोगे इसको, आई एम जस्ट किडिंग गाइज, इन डब्बों की क्या ही काम है। तो अभी मैंने एक छोटी सी ब्रेक ली है, थोड़ी सी नींद आ रही थी एंड आप देख सकते हो मुझे ठंडी की वजह से कैसे रियाश हो रखी है यहाँ पे भी। तो जब तक चाय बन रही है बस इसे बालकनी में मैं थोड़ी देर इधर उधर होती रहूँगी। ये देखो मतलब वीडियो में दिखाई नहीं देगा, और जो मुँह ऐसे करने से मुँह से धुआं निकलती है ना ठंडी में, वो बड़ी मजी आती है मुझे। देखो मैं दिखाती हूँ, शायद दिख रही होगी। एंड गांव में तो बड़ी मजी आती है, गांव में ना हम लोग सुबह सुबह ऐसे आग लगा के मतलब जो कूड़ा वगैरह बचा होता है वो आग लगा के बैठ जाते थे, तो बढ़िया मज़ा आती वहाँ पे बैठ के चाय पियो, उसकी तो मज़ा ही अलग है। इसीलिए मुझे गांव पसंद है यार, क्या करें। लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ पर पढ़ रही है। एंड देखो कल मैं ये बना रही थी, जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता मुझे ड्राइंग करने का मन कर रहा था एंड आई डोंट हैव ए कैनवास, और मैं सोच रही थी कैनवास लाऊंगी, लेकिन अगर कैनवास लाऊंगी अभी एग्ज़ाम है ना, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी उस पर बैठी रहूंगी, सो आई अवॉइड। एंड तो मैंने अपनी नेल में ही इसको बना दी। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। जब मुझे बोरियत फील होती है तो आई लव टू ड्रॉ समथिंग। घर में होती इधर उधर घूम लेती थी लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकती है। एंड सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, क्योंकि अभी गाड़ी वगैरह जाना शुरू हो गई है, सो देयर इज़ ए लिटिल बिट नॉइज़। और रूम के अंदर अभी मैं अगर चिल्लाऊंगी तो मेरी दोस्त की नींद ख़राब हो जाएगी, वो बेचारी बहुत लेट में सोई थी। मैं बाहर आके बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो भाई मैं काफ़ी दिनों से ही सोच रही थी कि आप लोगों से 1-to-1 कन्वर्सेशन करूँगी, बट मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी कैमरे के आगे
एंड मैंने सोचा कि कहीं लोग मुझे बोरियत वाली फील, मतलब मेरे को बोरिंग ना समझने लगे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बकवक करती हूँ एंड आई हैव द पावर कि मैं बकवक करके किसी को भी पागल बना सकती हूँ। तो ये बिस्किट मैं लेके आई थी मार्केट से एंड देखो एक टंकी जैसी कप में लेके आई हूँ और उसके अंदर इतनी थोड़ी सी चाय, मतलब अगर दूसरे वाले कप में इसको डालूंगी तो कप भर जाती है लेकिन इसमें आधे से भी नीचे होती है। एंड मुझे चाय की क्वांटिटी कम पीनी है इसीलिए मैं इसमें थोड़ी सी लेके आती हूँ ताकि मुझे लगे कि हाँ ज़्यादा तो पी ही रही हो। तो चाय पीते पीते मैं अपनी दोस्त से थोड़ी देर बात कर रही थी तब तक, क्योंकि मैंने उसको उठा दी कि बस बहुत हो गया, बहुत देर तक सो गए हो, अब उठ जाओ, वरना वो फिर उठने के बाद गिल्ट चलती रहेगी ना कि अरे यार मैं सो गई, ज़्यादा देर पढ़ना था, मुझे ये करना था, वो करना था। तो मैंने उसको जैसे वैसे करके उठाई तो मिलके हमने चाय और बिस्किट ही खाए क्योंकि वो मतलब मेरे को इतना ज़्यादा भूख नहीं हो रहा था तब तक। सो और पोहा बनाने में फिर टाइम जाती तो इसीलिए मैं बिस्किट लेके आई थी इस बार। और अभी मैं 2023 की जो UPSC का मेंस हुआ था ना उसका पेपर 2 का क्वेश्चंस कर रही थी। मैंने किया था पेपर 1 का अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दी थी एंड एथिक्स की थी, तो मैंने सोचा पेपर 2 का भी एक बार गो थ्रू कर लूँ उसके बाद उसको लिखूँगी, क्योंकि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आती है वो पता होना ज़रूरी है। एंड UPSC अभी तो हर साल अपनी पैटर्न चेंज कर रही है, मुझे ऐसे वाला फील हो रही है। तो बस देखना है कि कितना ज़्यादा हम सोच सकते हैं क्वेश्चंस को देख के ऑन द स्पॉट। तो अभी तो मैं ऐसे राइटिंग भी शुरू कर रही हूँ, अगर हो मतलब इफ़ मुझे टाइम परमिट करती है तो देन आई डेफिनेटली शेयर विथ यू सम थिंग्स एंड मतलब कुछ कुछ फैक्ट्स। एंड तब तक ना बहुत ज़्यादा धूप आ गई थी बालकनी में, तो मैं खुशी से बालकनी में भागी कि अरे अरे फाइनली धूप आ गई, मतलब वो कोई मिल गया वाली जादू वाली फील मुझे आ रही थी धूप को देख के, क्योंकि इतने दिन से मैं परेशान थी कोहरे के वजह से। और आज बारी थी रूम क्लीनिंग की, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को मैं रूम क्लीन करती हूँ, मतलब जिस दिन मैंने वीडियो शूट की थी, शायद आप तक पहुँचते पहुँचते मंडे हो जाएगा, लेकिन हाँ सैटरडे को मैंने वीडियो शूट की थी तो सैटरडे रूम क्लीनिंग की बारी होती है। तो हम मतलब एक रूम मैं क्लीन करती हूँ और दूसरे रूम मेरे दोस्त क्लीन करती है और बाहर की ड्यूटी मेरी है क्योंकि वो पोछा लगा देती है कभी कभी। सो काम मिल बांट के करने से जल्दी हो जाती है। तो जब तक क्लीनिंग ख़त्म हो गई फिर मैंने नहा ली, क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट होती है ना, मतलब बाहर की जो स्टेप्स है अगर आप उसको साफ करोगे, क्या बोलूँ, डस्ट एलर्जी अगर आपकी होगी तो बैंड बज जाएगी यार। एंड मैंने लंच भी कर ली थी, थोड़ी देर में ऐसे बैठी रही, आज मैं सोई नहीं दोपहर को, मतलब अभी तो एक महीना हो गया है मैं दोपहर को नहीं सो रही हूँ, वही 10-15 मिनट सिर्फ बैठती हूँ अपनी दोस्त के साथ। एंड उसके बाद मैंने ना थोड़ी सी चाय बचा के रखी थी, मुझे पता था क्योंकि आज रूम क्लीनिंग करनी है, अगर हेयर वॉश करूँगी तो मुझे तो नींद आएगी भाई, क्योंकि हेयर वॉश करने के बाद ना पता नहीं क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा ठंडी लगती है एंड उसके बाद जो नींद आती है बॉस। ओके मतलब आप लोग भी सोच रहे होंगे स्टूडेंट होके इतना ज़्यादा नींद कैसे आ सकती है, मुझे तो बहुत आती है क्योंकि मेरा बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था तब, जब और डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे उस टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा सोने की आदत पड़ गई, वरना मैं तो 5-6 घंटे सो के भी आराम से दिन भर फ्रेश रहती थी। सो चाय पीते पीते मैं रिवाइज़ कर रही हूँ क्वालिटी, जो कि मैं प्री के लिए भी कर रही हूँ एंड अगर मेंस हो गई फरवरी में तो उसमें भी काम आ जाएगी। तो मैंने ये नोट्स कुछ बनाए थे लक्ष्मीकांत से ही, तो अभी मैं लक्ष्मीकांत ना पढ़ के इससे ही काम चला रही हूँ, अगर मेंस नहीं हुई तो फिर मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगी एक बार फिर से। तो 4:30 बजे तक हमें दोबारा से भूख लग गई, क्योंकि लंच में आज मतलब पता नहीं तब खाने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा खाए थे एंड अब भूख लग गई। तो 5 बजे मैं पढ़ाई जब ख़त्म हुई उसके बाद UP बना के खाए हम एंड उसके बाद मेरी दोस्त कहीं बाहर गई थी, उसकी कुछ काम थी, सो मुझे फिर से चाय पीने का मन किया एंड मैंने सोचा कि नहीं 3 बार चाय पीऊँगी तो मर जाऊँगी एक दिन में, और कॉफ़ी भी नहीं पीना मेरे को। तो मैंने देखा था ये वाली YouTube में, शायद कल ही देखी थी कि कुछ है डिटॉक्स वाटर वगैरह, तो मैंने सोचा कि चलो गर्म पानी खाली क्यों पीऊँ मैं, और एक ककड़ी भी पड़ी हुई थी तो उससे मैंने ये ट्राई की, ज़्यादा कुछ बेकार टेस्ट भी नहीं था, अच्छा ही था, कुछ टेस्ट ऐसा खास टेस्ट ही नहीं था एक्चुअली, वो कुकुम्बर की थोड़ी सी जो स्मेल है वही आ रही थी बस, तो मैंने उसको ही लेते दोबारा से क्वालिटी की रिवीजन शुरू कर दी, क्योंकि मैंने जो टारगेट आज ली थी मेरे को कंप्लीट कर ली थी। एंड जब मैं पढ़ रही थी तो पानी वाले भैया भी आ गए, तो उन्होंने पानी दे के वो चले गए एंड मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई में बैठ गई, क्योंकि आज खाना लाने मुझे बाहर भी जानी थी और आज क्या कुछ फेस्टिव है ना,
लोरी, हाँ राइट, मैं राइटली प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है, अगर थोड़ी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है ना माफ़ कर देना, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम हिंदी वर्ल्ड, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप तक बात कन्वे कर पाऊँ, बट इनिशियली ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। एंड आज जब खाना लाने गई ना मैं, आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। तो मैं लेके आई थी नान एंड एक सब्जी, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर में बालकनी में ठहरी तो नीचे देखी तो सारे लोग आग लगा के बैठे हुए थे, तो हम भी जाके अंदर सो गए क्योंकि हमको कुछ तो सेलिब्रेशन करनी थी नहीं। एंड तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।